दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने चैनल को प्रोफेशनली कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मूवी चैनल बना सकते हैं, उसी चैनल को दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कस्टमाइज करके दिखाऊंगा प्रोफेशनली। जब भी दोस्तों हम अपने टेलीग्राम में जाकर अगर कोई मूवी सर्च करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे चैनल आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे आपको चैनल दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे अगर टेलीग्राम में जाकर कोई मूवी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे चैनल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वो जितने भी चैनल होते हैं दोस्तों वो प्रोफेशनली कस्टमाइज होते हैं, जिसके कारण दोस्तों टेलीग्राम उन्हें सर्च में दिखाता है। अगर आपका चैनल दोस्तों प्रोफेशनली कस्टमाइज नहीं है तो दोस्तों टेलीग्राम उन्हें सर्च में नहीं दिखाता है, जिसके कारण दोस्तों आपके पास व्यूअर नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास व्यूअर हैं तो आपका चैनल वो बहुत ज़्यादा दोस्तों ग्रो कर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास व्यूअर नहीं है तो दोस्तों आपका चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा और दोस्तों आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको अपने चैनल में व्यूअर को लाना होगा। इसके लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि आप अपने चैनल को प्रोफेशनली कस्टमाइज कर लें, जिसके कारण दोस्तों अगर आप कोई पोस्ट डालेंगे टेलीग्राम में तो दोस्तों वो सर्च में आएगा। तो दोस्तों, आप अपने चैनल को कैसे कस्टमाइज करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम ऐप ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, टेलीग्राम ऐप ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना टेलीग्राम ऐप ओपन कर लिया। टेलीग्राम ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अपना नेट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपना मूवी चैनल क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी दोस्तों मूवी चैनल को मैं यहाँ पे कस्टमाइज करके आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कस्टमाइज करेंगे। तो दोस्तों, मैं इस मूवी चैनल को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये मूवी चैनल ओपन हो चुका है। मूवी चैनल ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका लोगो बदलने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने चैनल बनाया था दोस्तों, इसका लोगो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है। दोस्तों, हम इसको सबसे पहले इसके लोगो को दोस्तों हम प्रोफेशनल बनाएंगे और दोस्तों यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आगे से ही बना कर रखा है एक लोगो प्रोफेशनल। दोस्तों, अगर आप बनाना चाहते हैं तो दोस्तों बना सकते हैं, या फिर दोस्तों इंटरनेट पे जाकर दोस्तों सर्च कर सकते हैं मूवी चैनल प्रोफेशनल इमेज। तो दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे आपको इमेजेस देखने को मिल जाएंगे प्रोफेशनली, जो कि दोस्तों मूवी चैनल के लिए होंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके दोस्तों अपने जो भी टेलीग्राम चैनल जो भी बनाए हैं उसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों, ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसा ऑप्शन देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, इस पेंसिल वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। इसका सबसे पहले दोस्तों लोगो हम बदलने वाले हैं, तो उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेट न्यू फोटो और वीडियो। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि दोस्तों मैंने बना रखा है अपने मूवी चैनल के लिए। दोस्तों, यहाँ पे ये इमेज है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो यहाँ पे लोगो है दोस्तों लग चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये लोगो सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चैनल बनाया है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ये प्रोफेशनल दिखने लगा है। तो दोस्तों, जो भी आपका चैनल होता है दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, वो होता है आपका लोगो। दोस्तों, लोगो देख कर ही कोई भी जो भी व्यूअर होता है दोस्तों क्लिक करता है आपके चैनल पर। तो आपका जो लोगो होगा दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाइए। अगर दोस्तों आपको नहीं बनाने आता तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाते हैं वो बता दूंगा। या फिर दोस्तों आपको बताया कि इंटरनेट से भी जाकर दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इंटरनेट से जाकर दोस्तों डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी लोगो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका लोगो बदलने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसका नाम बदलने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सीधे मूवी सर्च करता है, यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं सर्च करेगा न्यू मूवी। दोस्तों, अगर ऐसा कोई सर्च भी करता है तो दोस्तों बहुत सारे उसको चैनल देखने को मिल जाएंगे,
तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका जो भी चैनल का नाम है हमारे मूवी चैनल का, इसको चेंज करने वाला हूँ। तो चेंज करने के लिए पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर दोस्तों यहाँ से मैं इसको कट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे चैनल का नाम डाल दे रहा हूँ कोई एक बढ़िया सा। दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका नाम लगा सिनेमा इन हिंदी। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मूवी चैनल क्रिएट करने के लिए, तो दोस्तों मैंने उसमें ऐसे ही नाम रख दिया न्यू मूवी करके, दोस्तों अपने चैनल का नाम रख दिया। और तो दोस्तों मैं इस वीडियो में चेंज कर दिया हूँ, सिनेमा इन हिंदी रख दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी आपका चैनल का नाम रखना है दोस्तों, उसको रखने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ आपको लगा देना है मार्क यहाँ पे आपको क्लिक करके, ऐसा कुछ आपको मार्क लगा के। और दोस्तों इसके सामने दोस्तों जो भी सर्च होता है दोस्तों, मूवी सर्च होते हैं दोस्तों, उसको इसके बाद लिख देना है। तो दोस्तों अगर कोई मूवी अगर नहीं आ रही है तो दोस्तों उसका यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम लिख देना है। उसके बाद से दोस्तों नाम लिखने के बाद दोस्तों उसके अलग अलग फॉर्मेट लिख देना है। तो दोस्तों अगर जैसे कोई मूवी आ रही है, जैसे दोस्तों KGF हो गया, दोस्तों अभी KGF 2 आया है, तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जाता है सर्च करता है टेलीग्राम में, तो दोस्तों वो लिखेगा KGF 2 फुल मूवी, या फिर KGF 2 हिंदी, या फिर KGF 2 फुल हिंदी डब्ड मूवी, दोस्तों ऐसा कुछ लिखेगा, या फिर KGF मूवी डाउनलोड लिखेगा। तो दोस्तों उस तरह की चीज़ें दोस्तों इसके सामने आपको लिख देना है, जिससे कि दोस्तों आपका जो ये चैनल है दोस्तों सर्च में आने लगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डाल देता हूँ, सबसे पहले दोस्तों KGF ही डाल देता हूँ, KGF 2 लिख देता हूँ, KGF 2 इन हिंदी फुल HD मूवी। और इसके बाद दोस्तों लिख देता हूँ डाउनलोड। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों आता है अगर ऐसा कुछ सर्च करता है KGF 2 इन हिंदी फुल HD मूवी, या फिर वो सर्च करता है फुल HD मूवी, तो भी दोस्तों हमारे चैनल उसके सामने आने का चांसेस दोस्तों ज़्यादा बन जाता है। या फिर दोस्तों KGF 2 लिखेगा तब भी दोस्तों हमारा चैनल उसके सामने आने का चांसेस ज़्यादा बन जाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ आप लिखिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एक ऐसा कुछ आपको निशान लगा देना है, आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसके सामने और भी आपको चीज़ें लिखनी है, जो भी नई मूवी आने वाली है उसका नाम दोस्तों इसके सामने लिख कर ऐसे ही दोस्तों आपको इसके सामने भर देना है। जो भी यहाँ पर दोस्तों जगह आपको खाली मिलता है उसको पूरा भर देना है। दोस्तों यहाँ पे खाली आपको इसमें कोई भी जगह आपको नहीं रखना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसका पूरा भर देना है। दोस्तों मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे चलते हैं और इसका दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो पिछले वीडियो में बनाया था तो यहाँ पे वैसे ही डाल दिया। तो इस पर आपको क्लिक करना है और इसका दोस्तों डिस्क्रिप्शन आपको सबसे पहले चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर जो लिखा था इसका टाइटल, जो चैनल का नाम था, उसको ही दोस्तों पूरा कॉपी करके दोस्तों डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद से दोस्तों इसके सामने और भी चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे RR लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे RR फुल मूवी डाउनलोड लिख दिया। इसके बाद से दोस्तों आप चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी मूवी लिख देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सर्च होता है सबसे ज़्यादा हिंदी मूवी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे हिंदी मूवी लिख दिया, क्योंकि दोस्तों हिंदी मूवी सर्च करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे साउथ मूवी भी दोस्तों सर्च करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे आप साउथ मूवी भी लिख दीजिए। सॉरी दोस्तों, साउथ मूवी दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया साउथ मूवी। और भी दोस्तों आप यहाँ पे हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, और भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जो कि दोस्तों सर्च किया जाए। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है कि ये सब चीज़ें लिखने के बाद दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे इतना चीज़ें लिख दिया, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आना है आपको, और यहाँ पे दोस्तों ये साइन मैसेजेज है दोस्तों, इसको आपको जो है दोस्तों ऑप्शन बंद रहता है, तो इसको दोस्तों आपको, तो दोस्तों इस ऑप्शन को आपको चालू कर देना है। दोस्तों ये ऑप्शन आपके आपको जब भी चैनल बनाते हैं तो दोस्तों ये बंद रहता है, आपको इसको चालू कर देना है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है,
यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे जो रिएक्शन वाला ऑप्शन होता है इसको भी दोस्तों आपको स्टार्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों इनेबल रिएक्शन, तो दोस्तों इसको भी आपको स्टार्ट कर देना है। दोस्तों मैंने इसको स्टार्ट करके रखा है, इनेबल रिएक्शन को दोस्तों मैंने चालू आगे से ही कर दिया है, तो आप इसको सबसे पहले चालू कर दीजिए। दोस्तों ये भी ऑप्शन आपको चालू करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आना है और दोस्तों यहाँ पे लिखा है डिस्कशन, तो दोस्तों इसको भी आपको एक डिस्कशन चैनल बनाना होता है, जिससे कि दोस्तों आपका जो भी व्यूअर होगा अगर आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे कुछ पूछना चाहता है, या फिर कोई मूवी मांगना चाहता है, या फिर आपके पोस्ट के बारे में कुछ कहना चाहता है, तो दोस्तों उसमें आकर जो भी डिस्कशन चैनल होता है दोस्तों उसमें आकर वो कुछ कह सकता है। तो दोस्तों इसमें क्रिएट ए न्यू ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए वो आगे से ही एक डिस्कशन चैनल बना रखा है, तो दोस्तों मैं इसे नहीं लेने वाला हूँ, यहाँ पे नया बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिनेमा इन हिंदी लिख देता हूँ, उसी को दोस्तों यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये सब चीज़ों को कट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सिनेमा इन हिंदी लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम जो भी चैनल का लोगो था उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो भी गैलरी होगा दोस्तों वो ओपन हो जाएगा, या फिर दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो बिना लोगो लगाए इसको दोस्तों बना सकते हैं। दोस्तों ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है कि आप इसमें लोगो लगाएं। तो दोस्तों अगर कोई व्यूअर कुछ सर्च करता है तो दोस्तों आपका चैनल उसके सामने जाता है, ना कि आपका जो ये डिस्कशन चैनल होता है वो जाता है, तो दोस्तों उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसमें लोगो लगा देता हूँ ताकि कुछ प्रोफेशनल ये भी दिखे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लोगो लगा देता हूँ। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा लोगो लग चुका है। लोगो लगने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन चैनल है दोस्तों वो बन चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिनेमा इन हिंदी लिख कर आ गया है डिस्कशन चैनल में। उसके बाद दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप सीधे डिस्कशन चैनल में आ जाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों आप अपने किसी व्यूअर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा प्राइवेट होता है, दोस्तों एक प्राइवेट ग्रुप बन चुका है, तो इसमें आकर कोई भी व्यूअर आपसे डिस्कस कुछ भी कर सकता है। मैं यहाँ पे बैक कर दे रहा हूँ। दोस्तों बैक करने के बाद अब यहाँ पे आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आपको सबसे पहले दोस्तों क्लिक कर देना है, और दोस्तों जो ये ऑप्शन है दोस्तों इसको दोस्तों आपको ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका चैनल बैन भी हो सकता है। तो दोस्तों इस ऑप्शन को आप चालू जरूर करें। दोस्तों ये ऑप्शन क्या है तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है ऑटो डिलीट, दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे कहेगा कि आप जो भी पोस्ट डालेंगे वो कितने दिन में दोस्तों डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे करता हूँ 1 वीक। दोस्तों आप यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करके दोस्तों आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं कि जो भी आप पोस्ट डालेंगे वो कितने दिन में डिलीट होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 1 वीक कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं एक हफ्ते में अपना पोस्ट डिलीट करना चाहता हूँ। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका चैनल बैन भी हो सकता है। तो दोस्तों इस ऑप्शन को आपको स्टार्ट जरूर करके रखें। उसके बाद दोस्तों पीछे आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसको भी दोस्तों आप यूज जरूर करें। अगर आपके पास दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर आ जाते हैं, अगर दोस्तों कैसे भी करके अगर आपके पास कुछ सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो दोस्तों इस ऑप्शन को उसके बाद से आपको यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है स्टार्ट लाइव स्ट्रीम, दोस्तों इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों इस ऑप्शन में क्या होता है कि आप दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं कोई चीज़ें। दोस्तों यहाँ पर ये ऑडियो वाला होता है, यहाँ पर ये नहीं होता है कि आप यहाँ पर लाइव कुछ कर सके। दोस्तों यहाँ पे लाइव तो होता है, पर यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में ये सब लाइव होता है, तो इसको भी दोस्तों लाइव स्ट्रीम जरूर करें। दोस्तों इससे क्या होता है कि आपका जो भी व्यूअर होगा आपके साथ जुड़ा होगा दोस्तों वो आपसे और ज़्यादा दोस्तों जुड़ जाएगा कि और दोस्तों आपसे ज़्यादा नज़दीक आएगा, और आपके चैनल में दोस्तों और ज़्यादा दिनों तक टिका रहेगा, जिससे कि दोस्तों आप पैसे कमाएँगे और ज़्यादा। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, इस ऑप्शन को दोस्तों यूज ज़रूर करें। दोस्तों मैं इस ऑप्शन को अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे पास कोई भी अभी
सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है जो कि दोस्तों हम खुद हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहें, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं मैसेज, तो इस पर आपको क्लिक करके रखना है और इसके बाद दोस्तों रिप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से इस पर क्लिक करके रखना है, फिर से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपका पूरा चैनल एक फ्रेश चैनल तैयार हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में आप कोई पोस्ट डालेंगे तो दोस्तों उसका सबसे ज़्यादा चांसेस होगा दोस्तों वो सर्च में आने का, इस बात का ध्यान रखें। और इस चैनल में दोस्तों पोस्ट डालना स्टार्ट कर दें दोस्तों, एक महीने तक आप इस चैनल में पोस्ट जरूर डालें, जिससे कि दोस्तों आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि यहाँ पर कितने सब्सक्राइबर आपके पास आ रहे हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कैसे टेलीग्राम काम करता है और दोस्तों आप और ज़्यादा चैनल बना पाएंगे, जिससे कि दोस्तों सारे चैनल को आप यहाँ पर लिंक कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जो भी व्यूअर होगा दोस्तों एक ही चैनल में जुड़ेगा, जिससे कि आपका जो भी चैनल में दोस्तों सब्सक्राइबर बेस होगा दोस्तों वो बढ़ता रहेगा दोस्तों। वो भी चीज़ें दोस्तों अगले वीडियो में मैं बताऊँगा, आने वाले कुछ वीडियो में दोस्तों वो भी चीज़ें आपको पूरा बता दूँगा, तो दोस्तों इस चीज़ को दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।